हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और इस सीरीज में जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास क्या-क्या फाउंडेशनल वैल्यूज होनी चाहिए। ओके, तो ये है पार्ट 17। ओके, और इस पार्ट में मैं बात करने वाला हूं एनोनिमिटी। ओके, देखो अभी तक हम ये पांच ग्रुप्स के जितने भी मूल्य हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और अभी हम लास्ट ग्रुप पर चल रहे हैं जिसमें कि ये तीन और मूल्य बचे हैं। ओके, जिनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से एक है एनोनिमिटी। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है एनोनिमिटी। ओके, अब क्वेश्चन आता है ये एनोनिमिटी होता क्या है। करेक्ट, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये क्या है, व्हाट इज एनोनिमिटी। और फिर जानेंगे कि ये होती क्यों है। ओके, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर ये होती भी है, ओके, अगर ये है तो इसके क्या फायदे हैं। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाई वी शुड हैव दिस। ओके, तो ये तीन पहलुओं पर अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले क्या होता है कि एनोनिमिटी होता क्या है। देखो, जब अपन ने कहावत सुना है कि नाम में क्या रखा है, ओके, काम में रखा है जो मेन चीज है। ओके, तो नाम किसी का कुछ भी हो, लेकिन उसने काम क्या किया है, तो किसी भी मनुष्य की, किसी भी व्यक्ति की जो डेफिनेशन है या उसका करेक्टर है, उसके कर्म से। तो हमने एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब सुनी होगी, करेक्ट, बचपन में, कि देखो किसी भी मनुष्य की अगर हमको करेक्टरिस्टिक बतानी है, करेक्ट, या हमको किसी मनुष्य को परिभाषित करना है, तो वो उसके कर्म से परिभाषित होता है, ना कि उसके नाम से। तो जब भी एनोनिमिटी का मतलब है कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, करें, तो वहां पर उसका नाम ना आए। ओके, नाम ना आए। ओके, तो किसने काम किया है, किसने काम किया है कि का खा गा, करें, ए बी सी, किसी ने काम किया है, करें, कि ये पूरा दैट दिस इज द स्टडी, और किसने किया है, ए बी सी ने किया है, पता नहीं किसने किया है। एनोनिमिटी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमको ये प्रोफेशनल अपनी जर्नी में एनोनिमिटी रखनी चाहिए, क्या हमको अपना जो कार्य है, करें, क्या हमको, क्योंकि जनरली हमारे प्रोफेशनल जर्नी में हम चाहते हैं कि हम काम करें ना ना करें, लेकिन हमारा नाम जरूर आना चाहिए। करें, देखो नाम डालो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह तुम अपना नाम उसमें डालने की कोशिश कर रहे हो। अरे, अपना पूरा स्टडी है, जो भी तुमने काम किया है उसको पूरा डिटेल में लिखो, नीचे छोटा सा अपना नाम लिख दो। क्योंकि देखो हम क्या चाहते हैं कि लोग हमको अपने काम से जाने, और जब काम से लोग जानने लगे कि ये काम बहुत सही तरीके से हो रहा है, ये स्टडी बहुत सही तरीके से किया, इसने ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से किया, तो लोग अपने आप धीरे धीरे नाम जानने लगेंगे। करे, तो अपनी पहचान है वो हमको किससे बनानी है, ना काम से, ना कि नाम से। करेक्ट, नाम अपने आप आएगा। तो एनोनिमिटी का मूल क्या होता है कि हम काम को फोकस दें, ना कि नाम को। ओके, ये होता है एनोनिमिटी, कि नाम बार बार हर जगह नहीं आना चाहिए। ओके, काम उसमें क्या आउटकम आया वो आए। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। करेक्ट, कि ऐसा क्यों हो। ओके, इसके अपन तीन चार पहलू पर डिस्कस कर सकते हैं। करेक्ट, देखो पहली चीज है कि कोई भी कंपनी में ना हमेशा ये एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है या ये मैनेजमेंट का रूल है कि हर कोई कंपनी चाहती है कि वहां पर वो जितने भी चीजें हैं वो प्रोसेस ओरिएंटेड रहें, पर्सन ओरिएंटेड नहीं। करेक्ट, क्योंकि अगर अगर वो मनुष्य, अगर कोई चीज पर्सन ओरिएंटेड है, ओके, मान के चलो कि बहुत सारी चीजें वो एक पर्सन से डिपेंडेंट है, अगर वो पर्सन छोड़ के चला गया तो पता पड़ा वो बिजनेस ही बंद हो गया। तो हर कंपनी क्या चाहती है कि वो चीजें प्रोसेस ओरिएंटेड रहें। अगर प्रोसेस ओरिएंटेड रहेंगी तो क्या होगा, अगर वो मनुष्य चला भी गया, उसकी तबीयत खराब हो गई या कुछ उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा, वो काम है वो रुकेगा नहीं, उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम बंद ही हो गया। करें, तो अगर एनोनिमिटी का मूल्य होगा, ओके, तो क्या होगा कि कार्य पर फोकस है, पर्सन पर ज्यादा फोकस नहीं है। तो प्रोसेस ओरिएंटेड होने से क्या होगा कि कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा है। करेक्ट, कंपनी कंपनी चाहती है कि उसमें चीजें प्रोसेस ओरिएंटेड रहें। ओके, दूसरी चीज क्या है, इससे अगर एनोनिमिटी का मूल्य है, करेक्ट, अगर तुम कोई भी कार्य करते हो और ज्यादा अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा, कई बार क्या होती है कि लोग अगर बहुत ज्यादा नाम बताने लगे तो अपनी ही प्रशंसा बहुत ज्यादा करने लगते हैं कि अरे मैंने ये कर दिया, अरे मैंने ये कर दिया। ओके, तो उससे क्या लगता है कि अरे यार ये बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहा है।
अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लिमिट तक ठीक है, तो उससे क्या होता है तुम्हारे काम पर अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब कईयों बार इसमें और क्या हो सकता है, ओके, तो इसमें प्रशंसा भी हो सकती है, निंदा भी हो सकती है, करेक्ट, निंदा भी हो सकती है, और क्या हो सकता है। अब हमने बात किया था कि देखो, मैंने एक और मूल्य के बारे में बात किया था जिसका नाम था नॉन पार्टीजनशिप। ओके, नॉन पार्टीजनशिप का मतलब है कि हमको हमको किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी भी पार्टी के प्रति, करें, किसी भी ग्रुप के प्रति अपनी जो इच्छा है, अपनी जो मूल भावना है, वो हमको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करनी। तो अगर तुम्हारे अंदर एनोनिमिटी का मूल्य होगा तो तुम क्या होगा, तुम्हारे अंदर वो अंदर से भावना नहीं आएगी कि मैं अपने नाम को बता के इस चीज को बताने की कोशिश करूं, करें, तुम एनोनिमस उस स्टडी को पब्लिश कर दो। अगर लोगों को पसंद आई तो हो सकता है वो तुमको रिवर्ट बैक करें, तब तुम बता सकते हो, करें। तो ये एक बेसिकली एक और अच्छा मूल्य है। अब क्वेश्चन आता है, देखो ये जो मूल्य है ना, वो एक इंडिविजुअल लेवल पर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको कंपनी के लेवल पर बात करूं, कोई एक बहुत बड़े स्तर पर है, करें। देखो, एनोनिमिटी और नॉन पार्टीजनशिप, ये वाले मूल्य है ना, ये उच्च पदों के लोगों के लिए है। एक नॉर्मल जो फ्रेश इंजीनियर है उसके लिए ये मूल्य उतने ज्यादा महत्व नहीं रखते, क्योंकि अगर वो बोल भी देते हैं तो उतना ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं, लेकिन अगर कंपनी का सीईओ अगर बोल रहा है तो उसका इफेक्ट होगा। अब अगर कोई एनोनिमिटी का मूल्य फॉलो करता है तो उससे क्या क्या फायदे होंगे, करें। देखो, उससे क्या होगा कि अगर एनोनिमिटी का मूल्य फॉलो करता है तो झगड़े बहुत कम होंगे, करें। कि अगर तुमने कोई भी चीज पब्लिश की, जैसे तुमने देखा होगा कंपनी में एक पोर्टल होता है जहां पर कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होती है, वो किसने ब्रॉडकास्ट की वो किसी को नहीं पता रहता, बस ये इंफॉर्मेशन आई है नहीं, करें। उसमें रिलेटेड लोग कि हाँ इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन एक्चुअल में किसने पोस्ट किया, किसने लिखा, क्या हुआ, वो कई बार नहीं होता है, करेक्ट। तो उसमें झगड़े कम होंगे तुम्हारे, ओके। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर तुम इसमें, जैसे अगर झगड़े कम होंगे और इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन भी कम होगा, क्योंकि अगर किसी ने टांग पुल करना शुरू किया तो वो डायरेक्टली तुम्हारी टांग पुल नहीं करेगा, करेक्ट, क्योंकि पता ही नहीं उसको किसने लिखा है। तो एक कॉमन ग्रुप है, तुमने देखा होगा जनरली कोई भी कम्युनिकेशन आता है एक कॉमन ग्रुप नेम से आता है, ना कि किसी इंडिविजुअल से, करेक्ट। तो किसने किया है वो ठीक है तुमको इनडायरेक्टली पता होगा, लेकिन डायरेक्टली उसका ईमेल आईडी नहीं आता है, करेक्ट। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, करेक्ट। तो ये इसके छोटे मोटे मूल्य हैं, ओके। और तो एनोनिमिटी का मूल, ओके, जो ऊंचे पदों पर लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मूल्य है, और इसको अपनाने से तुम देखोगे कि जीवन में एक शांति लेवल बहुत अच्छे से बना रहता है, करेक्ट। तो होप मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता पाया हूं कि आखिर एनोनिमिटी का मतलब क्या है और इसके क्या फायदे हैं, ठीक। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।